जी राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत खास वीडियो। खास वीडियो का मतलब हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल जो रेसिपी होती है कोल्थ खिचड़ा, जिसको हम बोलते हैं। अब कोल्थ ना देखने को भी नहीं मिलते ना कोई खेत, जब खेतों में नहीं लगाने तो देखने को कहाँ से मिलने, है ना? आंखें दिख रही आप मेरे को कंटिन्यू लगानी पड़ रही है आपको। मैं सच्ची में बात बताऊँ, बहुत दर्द होता है आंखों में। तो अब मेरे को आंखों में कम होता है, सिर में ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से मेरे को कंटिन्यू लगानी पड़ रही है। और मेरे को बहुत आड़ा लगता है, इधर निशान पड़ गए, इधर निशान पड़ गए। कोई तरीका बताना आप लोग, है ना? तो बात से भटक गई, कहाँ को जा रही थी, कहाँ को चली गई। मैं बनाने जा रही हूँ कोल्थिया। मेरी मायके की भाषा में उनको कोल्थिया बोलते हैं और ससुराल की भाषा में उसको कोल्थ खिचड़ा बोलते हैं। यहाँ पे बागल में आपको कोल्थ भी दिखाती हूँ, कैसे कैसे बनानी। पूरा वीडियो को देखना है आपको, लास्ट तक खाने तक दिखाऊंगी आपको किस तरह से खाते हैं, कैसे खाते हैं। ट्रेडिशनल रेसिपी है हिमाचल की, ठीक है? आप लोग भी बनाना जरूर, ठीक है? तो चलो एक बात और, ये जो कोल्थ खिचड़ा होता है ना, ये सर्दियों की डिश है। ये सर्दियों में बनाई जाती है क्योंकि ये गर्म होती है, तो ये सर्दियों में बनाई जाती है। अभी मैं सोच रही हूँ कि आने वाले टाइम में ज्यादा फोकस कुकिंग पे करूँ और अच्छी अच्छी डिशेज आपको बताऊँ। मदरा जिसको बोलते हैं, मदरे चने, मदरे आलू, जो जो भी है, ठीक है? तो सर्दियों में ये खाई जाती है। चलो तो ये देखिए, ये है कोल्थ। ये साफ सुथरे हैं, बाकी जब ये घर में होते थे ना तो ये इनमें बहुत सारा कूड़ा होता था, तो ये दुकान में मतलब क्या होके आते हैं, फ्रेश होके आते हैं सारे। जो भी इनमें कूड़ा करकट होता था ना, वो नहीं होता इसमें। देखो कुछ कुछ तो ना ऐसे जैसे हुए नहीं थे अभी, है ना? ये वाली चीजें मेरे मायके में बहुत होते थे। ये वाला देखो, ये मैं अच्छा इसको ना मैं ताड़ लूंगी, मतलब जो भी इनमें कूड़ा कंकर होगा मैं ताड़ लूंगी इसको। और आधे का मैं कल सब्जी बनाऊंगी और आधे का मैं कोल्थिया बनाऊंगी। मेरे को आती है अपने मायके की भाषा, ये काफी है मेरे ख्याल से, है ना? मैंने आइडिया से डाले ये, उन्हें कोई आधा किलो से कम है, ये कोई 400 ग्राम है। तो ये देखिए, तो बोलते हैं कि आते आते ना ज्यादा होने चाहिए, तब ज्यादा मजा आता है। और ये देखो आज मेरी ना उंगली कटी और हन्नी जा रहा है गाय दूने, और ये देखो बेचारा हन्नी कितना अच्छा है ना। बस अब इतने से अब मैं इनको ना छांट लेती हूँ, है ना? कोई वैसे इनमें है नहीं, साफ सुथरे, लेकिन फिर भी कुछ होगा, फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक करो, ग्लास लाइट करो तेरे, और तो ये देखिए अभी मैं इनको डाल दूंगी कुकर में। ये देखिए यहाँ पे मैंने डाल दी है कोल्थ पानी में, और बिल्कुल साफ करके अभी हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालूंगी मैं और हल्दी डालूंगी बाद में जब हम चाहो। ये डाल दिए मैंने इसमें नमक, बस थोड़े नमक ही डाला और कुछ भी नहीं डालना। और अभी जो है इसमें ढक्कन लगा देते हैं। तो ये देखिए 4-5 सीटी आने के बाद जो है हमारे कोल्थ उबल चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो कोल्थ का पानी होता है ये जुखाम के लिए, बहुत सर्दी जुखाम के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें थोड़ा सा नमक या सूप, मतलब सूप बना के आप इसको पी सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, जो आपको सर्दियों में बहुत ज़्यादा बचाता है ठंड से, जुकाम से। तो ये देखिए कोल्थ हमारे अब उबल के थोड़े से ज़्यादा भी हो गए हैं, ये देखो, ठीक है? अब हमने क्या करना है कि मैंने चावल धो दिए यहाँ पे, ये देखो। और मैं जो ज़्यादा पसंद करती हूँ वो घर के चावल, डिप्पू के चावल में डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो कोल्थ खिचड़ा होता है ना थोड़ा चिपचिपा बनना चाहिए। जो दुकान के चावल होते हैं या जो बासमती होती है वो थोड़ा अलग अलग रहती है ना, तो वो मुझे पसंद नहीं है। मैं औरों का नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी पसंद बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए अभी हमने इसमें डाल देने चावल। मैं आपको ये पूरी रेसिपी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों का कोई क्वेश्चन ना रहे मन में, और आपने बस बनाना इसको एक बार और आप बोलोगे कि नहीं वाकई में। और ये देखिए यहाँ पे अभी हमने इसको ना मिक्स कर देना है। उससे पहले हमने अभी देखो, ये मैंने इसमें पहले हल्दी नहीं डाली थी, तो हमने डाल देना इसमें 2 चम्मच, मतलब जितना भी आपका मटेरियल है, जितना आप बना रहे हो उसी हिसाब से आपको डालनी होती है। अब मैंने क्या पता कितनी डाली है, मैं आपको 2 चम्मच बता दूं फिर वो बात जमेगी नहीं। और नमक भी पहले कम ही था तो हमने इसमें नमक भी डालना है थोड़ा सा, और पानी टेस्ट कर लेना है, ऐसा ना हो कि नमक की वजह से हमारे सारी जो है खिचड़ी खराब हो जाए।
अभी ये नहीं बनी, अभी इसको ना और तड़का लगेगा। पानी भी चेक कर लेना है और हमने फिर थोड़ा सा और डालना है इसमें पानी। ये देखिए कहीं पानी मतलब कम ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना है इसका, जितना आप चावल बनाने के लिए डालते हैं ना उतना बना करना है। तो गोल था हमारे पके, सिर्फ चावलों को पकाने लायक पानी डालना है। ठीक है, अभी हो गया। अभी मेरे पास अदरक नहीं है, नहीं तो इसमें अदरक भी बहुत अच्छा लगता है, टुकड़े टुकड़े करके यहीं पे डाल दिया जाए इसी टाइम पे। ठीक है, अभी हम लगा दें। अभी हमने इस पे ढक्कन लगा दिया और इसको जो है थोड़ी देर बाद जो है हमने ये करना है। देखिए मैंने मक्की की रोटी भी बना दी, जितने को हमारा ये कोल्ड खिचड़ा हुआ, तो ये देखिए ये भी तैयार है यहाँ पे। इस तरह का ये कुछ बनता है, पर इसका जो टेस्ट होता है ना वो खिचड़ी की तरह नहीं होता बिल्कुल, वो बिल्कुल अलग होता है क्योंकि इसमें कोल्थ पड़े हुए हैं और दवाइयों की दवाई है ये कोल्थ। और अभी आग जली है और मैं डालूंगी यहाँ पे तड़का। तो पता है आज ना वो ख़त्म हो गया है, तेल नहीं है, मैंने अभी देखा, कल जाएंगे हम डिपो के राशन को, तो इसमें थोड़ा सा जो तड़का वो ज़्यादा पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, और क्योंकि ये देखो ये बहुत सारी कोल्थियाँ हैं और मक्की की रोटी आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं से ना जल गई, लेकिन बढ़िया होती है, टेस्टी होती है ये खाने को। ये देखो इस तरह की, और आग जली यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए अभी तड़का होने देते हैं और फिर जो हम बनाते हैं मक्की की रोटी। वाओ, ये देखो ये देखिए यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है और आँच भी बढ़िया लगी है। तो सबसे पहले मैं डालूँगी मेथी। ठीक है, मैं देख रही थी कि हो गई, तो हाँ हो गई, काफ़ी देर हो गया था तेल डाले हुए। तो मैंने इसमें धनिया जीरा तीनों चीज़ें डाल दी। ठीक है, और कड़छी मैं यही यूज़ कर लूँगी जो मैंने कुल्थियों में लगाई है। तो अभी सबसे पहले डालेंगे इसमें प्याज, ये देखिए, और प्याज को भूनने में लगेगा हमें टाइम थोड़ा सा। प्याज को हमें भूनना है, मतलब काफ़ी भूनना है। और यहाँ से मैं दो चार मिर्चें ना ऐसे साबुत डाल रही हूँ, कुछ मैंने काट के डाली थी, कुछ साबुत डाल रही हूँ क्योंकि साबुत मिर्चें इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। साबुत मिर्चें, साग हो गया, ये हो गया, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं साबुत मिर्चें, खाने में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है बाद में। और अभी इसको मैं भून रही हूँ, ये काफ़ी लग रहा है ना आपको दिखना, बाद में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और इसमें बस जैसा कि मैंने बताया कर रहे हैं। और अभी ये देखिए मैं, ये हो गया हमारा तड़का, तो इसमें डालूँगी मैं कोल्थियाँ, यानी कि कोल्थ खिचड़ा जिसको बोलते हैं गर्मा गर्म कोल्थ खिचड़ा। ये देखो इसमें पानी पुनी बिल्कुल नहीं मिलाना, कुछ भी नहीं, बस इसको ऐसे ही। और अभी मैं आपको पूरी थाली बताऊंगी कि किस तरह से इसको खाते हैं और क्या क्या इसके साथ हम और भी खाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं डाल लेती हूँ। मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए अभी इसको ना ऐसे हमने पूरा इसमें तड़का, पता नहीं तो तड़का हमारा साइड में रह जाता है। ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है इस साइड, तो इसको इस तरह से हमने ये करना है। और अगर आपने बनाना होगा ना और आपके नहीं होंगे ये, तो मैंने भी दुकान से लाए थे, अब घर में बहुत कम मिलते हैं लोग लगा, मतलब हम भी नहीं ये करते, आगे को देखूंगी, इनका बीज करूंगी मैं। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इस तरह से तेल को ना खिचड़ी के बीच हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, साइड में ना रहे। तो ये देखिए इसका बहुत प्यारा सा, मतलब रंग भी बहुत अच्छा है और मिक्स हुआ है अच्छी तरह से, है ना। तो बस अभी हम खाएंगे, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या किस चीज़ के साथ खाएंगे। ठीक है,
ये है मक्खन और ये है दही। तो ये है दही, बहुत अच्छा मतलब बना है, अभी निकाल के दिखाऊंगी आपको। मक्की की रोटी, थालियां लगेगी, ये देखिए ताज़ा ताज़ा मक्खन, बाकी खा दिया है यहाँ पे बचता कम है मेरे घर में। तो चलिए ये लग रहा है जी गरम गरम। और ये देखिए ये देखिए ठीक है। तो ये देखिए, और अभी हम इसमें डालेंगे मक्खन। तो ये देखिए, ये गया इसके ऊपर मक्खन, ताजा ताजा अभी घर का बना हुआ। ये देखिए, वाह जी वाह। और अभी जब हम वो लेंगे ना, सॉरी दही, तब भी मैं आपको बताऊंगी। और इसको भी उठा देंगे अभी। और शानू चलो जरा टेस्ट करो। गर्म होना ना, ये देखो इस तरह से इसको खाते हैं। ठीक है, मैं अभी बाद में लूंगी। ये रही मक्की की रोटी, ऐसे तोड़ा, ऐसे लिया, वाह मैं क्या बताऊं आपको कि कैसा टेस्ट होगा इसका मुझे तो पता है, आप लोग सोचना बस। बहुत स्वाद, तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी आज की, कुलथ खिचड़ा, कुलथिया जिसको बोलते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा, दुकान से लेके आइएगा, बोला कुलथ दे दो अगर आप, मतलब मैं भी दुकान से लेके आई हूँ। वैसे कुछ साल पहले हमारे होते थे, मायके में भी बहुत होते थे और यहाँ पे भी होते थे, अभी तो देखूँगी, फिर से बीज तैयार करना पड़ेगा इसका ना, और इसकी दाल भी बहुत अच्छी होती है। बाकी इस वीडियो को बहुत बहुत सारा प्यार देना, शेयर करना, जिस तरह से आपने भल्ले की वीडियो, रेडू की वीडियो शेयर करी थी और उसको बहुत ज़्यादा वो वायरल हुई थी, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियो भी हमारी ऐसे ही जाएगी। और पहली बार जो मेरे चैनल पे ये जो रेसिपी बनी, ये डिश बनी, पहली बार बनी, हिमाचल की ट्रेडिशनल रेसिपी है, पहली बार, 2 सालों में पहली बार, मैंने कभी पहले नहीं बनाई थी, मुझे याद नहीं है कि मैंने बनाई होगी। तो बस अभी सभी लोग सो गए हैं और मैं भी जा रही हूँ सोने, नहाई, क्योंकि शाम के टाइम नहाती हूँ मैं, फिर आग सेकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिन को थोड़ी हवा बजती है, हवा लगती है, ठंडी लगती है, तो आँखों में देखो, काफ़ी सारे लोग बता रहे थे कि आपको ये है वो है, बहुत कुछ देखती हूँ, टेस्ट करवाऊँगी। तो बस नहा गई और थकान सारी दूर हो जाती है वैसे, और कुछ नहीं, और बस कल बाकी जो भी होगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं माता रानी से। बाकी और कुछ नहीं, बस अब नींद लगी, आंखें बोल रही है कि बस अब सो जा चुपचाप। और मैं पता क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि वीडियो एडिट कर देती हूँ, क्योंकि पता मुझे कई बार टाइम नहीं लगता, ऑलराउंडर पर 2-4-5 वीडियो मिस हो गई, नहीं टाइम लग रहा था, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से फिर जब हम गैप दे देते ना, यूट्यूब का एक रूल है, जब हम गैप दे देते ना किसी चीज़ में, तो फिर वो चीज़ बाद में जो लोगों तक नहीं पहुंचती है, इस वजह से कई बार हमारा मूड ऑफ होता है, कई बार कुछ होता है, हम वीडियो शूट करके रख देते हैं। तो ये वाली जो वीडियो है, ये कोशिश करूँगी कल ही जाए, आज मैंने बना दी, आज तारीख है 25 और 26 को ये जाएगी। ठीक है, तो जय माता दी, राम राम।